साथियों, हम लोग सब लोगों को न्याय दिलाने का उसका ट्रांसफर का हुआ पीएससी आज मुखिया बनना सब लोगों का आगे सही में तुमने जिला का फायदा कर दिए थाना हाफिजपुर के क्षेत्र में हमारे एक वकील साहब मुकेश शर्मा जी सादिकपुर गांव में निवास करते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने 12-8 में जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा घर में घुसकर मारपीट की और गुंडाई करी। उसके खिलाफ FIR लिखवाने गए तो SO हाफिजपुर ने सुभाष चंद गौतम ने FIR नहीं लिखी। फिर SP बार का डेलीगेशन गया, उसमें SP साहब के इंटरफेरेंस से वो FIR लिखी गई। उसके बाद SO हाफिजपुर इंस्पेक्टर हाफिजपुर सुभाष चंद गौतम ने पुनः वकील साहब का दबाव बनाया कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो, आप जो है इसे कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। और ये इसके बाद उन्होंने 20 तारीख को एक 354 का मुकदमा वकील साहब से फर्जी लिख किया और लिखने के बाद पुलिस उनके घर में भेज दी। जब उनने जब वार्ता की तो बोले वो मैंने केवल फैसले के लिए कर लिख लिया है, फर्जी मुकदमा है, मैं एक्सपेंज कर दूंगा। तो इससे ये बहस वकील साहब के इतना सम्मान गिरा है उससे, एक वकील पिटा और उसके बाद पिटाई के बाद उसके खिलाफ ही 354 का एक फर्जी मुकदमा पंजीकृत करने में सुभाष चंद गौतम ने एक ऐसा झूठा मुकदमा कराया जिससे पूरे बार की पूरे वकील समाज की गरिमा गिरी है। इस संबंध में हमने SP साहब से बात करी तो SP साहब का जो रुख जो लगा वो अपने ही इंस्पेक्टर के पक्ष में लगा। ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर जो सुभाष चंद गौतम ने कोई अनुचित साधन लेके ये हमारे वकील के खिलाफ मुकदमा लिखा है और उसमें SP भी शामिल है। है कि हम अहिंसावादी हैं, हम लोग अपनी आवाज़ के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई हिंसा किसी के साथ नहीं करी है। हमारे कैंपस में पुलिस आती है, रोज़ हम उनका सहयोग करते हैं। आज वही पुलिस हमारे खिलाफ़ झूठा मुकदमा गढ़ में लिखा पहले, उसके बाद गाजियाबाद लिखा गया और अब हापुड़ में एक झूठा मुकदमा लिखा गया। जब तक हम इसका एजुकेशन ना करेंगे, इनका विरोध ना करेंगे, तब तक ये कैसे इनको पता लगेगा कि उन्होंने गलती की है। गलती करते हैं और उसके बाद झूठा मुकदमा लिखते हैं। नहीं, आज जो विरोध किया जा रहा है किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है? विरोध करा जा रहा है कचहरी कैंपस में, किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं घुसने दिया जा रहा और रजिस्ट्री ऑफिस पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। और आने वाले समय में आज हमने भूख हड़ताल बैठे एमरन अनशन पे बैठेंगे और अगर उसके बाद भी सुनाई ना गई तो आत्मदाह भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। तहसील भी बंद की है? तहसील बंद है, रजिस्ट्री ऑफिस बंद है, तोलाना बंद है और गढ़ बंद है। और अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश बंद कराएंगे।